और बच्चों लोग क्या हाल, अपन लोग स्टार्ट करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री के इको लेक्चर के साथ में। इस वाले लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे हीट ऑफ कम्बशन के बारे में, ठीक है। इसको अपन एंथैल्पी ऑफ कम्बशन ही बोल सकते हैं। इसको लिखने का तरीका ये होता है, डेल्टा है जो सबस्क्रिप्ट में लिख दिया जाता है सी, या फिर इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। इससे पहले लेक्चर में अपन डिस्कस कर रहे थे है ना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। हीट ऑफ रिएक्शन अपन बेसिकली पढ़ रहे थे, पहले अपने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिस्कस करी, नेक्स्ट अपन डिस्कस करें एंथैल्पी ऑफ कम्बशन के बारे में, ठीक है। सो बेसिकली एंथैल्पी ऑफ कम्बशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन है, जैसे मान लो अपने पास कोई भी हाइड्रोकार्बन, जैसे एग्जांपल के तौर पर सी एच फोर है, और इसकी रिएक्शन अपन ने क्या करी, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ में करा दी, ठीक है। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ में करा दी है ना, इसको बेसिकली अपने क्या करा है ना, हीट कर दिया। मतलब हाइड्रोकार्बन को अपन ने क्या कर दिया, ओपन मीडियम पे, ओपन से एयर, एयर की है ना एयर प्रेजेंट है और एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन एक्सेस में प्रेजेंट है और उसको अपन ने गर्म कर दिया बेसिकली। तो इसमें दो ही प्रोडक्ट बनते हैं, एक सीओ टू बनता है, दूसरा बनता है आपका एच टू ओ। इस रिएक्शन को बोला जाता है कम्बशन है ना, और इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होती है उस रिएक्शन को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ कम्बशन। लेकिन इसकी कंडीशन है क्या कि ये क्या होना चाहिए, एक मोल होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब मैं इसको ऐसे करके चाहूँ तो लिख सकता हूँ क्या कि टोटल हीट चेंज या टोटल हीट रिलीज है ना, टोटल हीट, पूरे ध्यान से सुनने के शब्द को आपको ढंग से समझ में आ जाएगा है ना, टोटल हीट रिलीज्ड, रिलीज्ड रिलीज्ड है ना ड्यूरिंग ड्यूरिंग द कंप्लीट कंबशन ऑफ कंप्लीट कंबशन ऑफ वन मोल है ना, वन मोल सब्सटेंस यानी कोई भी अपना यहाँ पर हाइड्रोकार्बन होगा ना, कोई भी यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका सी एच फोर हो गया, या बेंजीन हो गया, सी सिक्स एच सिक्स हो गया, या कोई आपके हो सकता हो आपके पास कोई है ना इथेनॉल वगैरह हो है ना, सी टू एच फाइव हो, कुछ भी हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, टॉलिन हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली अपन क्या करेंगे, कोई भी हाइड्रोकार्बन लेंगे और उसको अपन जला डालेंगे है ना, गर्म कर देंगे, हीट कर देंगे, और एयर की प्रेजेंस में करेंगे, मतलब ओपन मीडियम में करेंगे, तो बेसिकली क्या होगा, ओ टू यहाँ पे एक्सेस में हमें मिल जाएगी, ठीक है। अगर मान लो एक्सेस में नहीं मिलती तो हो सकता है ये जो कार प्रोडक्ट है अपना सी ओ टू ना बनकर कार्बन मोनोऑक्साइड सी ओ बन जाए, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन जरूरी है। तो अब ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे, तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पर दो चीज़ें लिखी, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होना चाहिए और दूसरी वन मोल सब्सटेंस होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर उनको बनेगा क्या, यहाँ पर बन जाएगा सी ओ टू, साथ में प्रोडक्ट फिक्स्ड है अपने एच टू और सी ओ टू। उसको लिखने का और बैलेंस करने का तरीका भी होता है, ठीक है। कोई भी रिएक्शन अपनी जो ये वाली होती है, इसको लिखने का तरीका ये होता है कि आप सी ओ टू बना देना और एच टू बना देना कम्बशन जब भी होगा। अब हाइड्रोकार्बन जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतने ही सी ओ टू भी होंगे, और जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है हाइड्रोकार्बन पे होंगे उसके आधे एच टू हो जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो ये अभी मैं करके बताता हूँ एग्जांपल लेके आपका, अगर मैंने इसका एक मोल सब्सटेंस लिया है ना, तो इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी या क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे कुछ कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी है ना, कुछ कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी यहाँ पर रिलीज होगी, उसी को मैं लिखूंगा एंथैल्पी ऑफ कम्बशन, यानी इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी उसको कहूंगा एंथैल्पी ऑफ कम्बशन ऑफ जो भी हाइड्रोकार्बन अपने लिया था वो, ठीक है। अच्छा, ये हमेशा क्या होती है, रिलीज होती है, इसका मतलब साइन यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो दूसरी गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है, यहाँ पे मैंने लिखा रिलीज होती है। अब अगर रिलीज होती है ये है ना, अगर ये रिलीज होती है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, बेसिकली एक्सोथर्मिक हो जाएगी, यानी हीट ऑफ कम्बशन क्या है, बेसिकली एक्सोथर्मिक है ना, एक्सोथर्मिक होती है ये वाली रिएक्शन। और दूसरी चीज़ इसके लिए जो डेल्टा एच होता है या जो ये वाली वैल्यू होती है, ये हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है, क्या होती है, नेगेटिव होती है। बात समझ में आई कि एंथैल्पी ऑफ कम्बशन इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर अपने बात करते हैं, जैसे मान लो अपने एक ले लेते हैं एग्जांपल। अच्छा, दूसरा ये एक पॉइंट और ध्यान रखना है, जो सी ओ टू बनेगी लिक्विड स्टेट में हमें बनाना है, और जो सी ओ टू बनेगी ये गैसेस में बनेगी, ठीक है। हाइड्रोकार्बन किस में भी हो सकता है, ओ टू जो होगी वो गैस से आ रही होगी, कहाँ से आ रही होगी, ये एयर से आ रही होगी है ना, एयर ऑक्सीडेशन है बेसिकली, प्रोसेस देखा जाए तो गर्म कर डाला बस अपन ने बेसिकली। अच्छा, एक एग्जांपल अपन देखते हैं, जैसे मान लो अपने क्या करा, सी एच फोर लिया है ना, और अपने क्या करा, दूसरा यहाँ पर गर्म कर डाला, इसको जला डाला इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये कहाँ से आ रही होगी, एयर से आ रही होगी, एक्सेस में हमें लेना है, ठीक है। अपन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, सी ओ टू ही बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, एच टू ओ ही बनेगा, ये फिक्स्ड है। सी ओ टू कितना बनेगा, सी ओ टू बन जाएगा आपका, जितने कार्बन यहाँ पे थे ना कितने थे, एक, तो ये एक मोल ही बनेगा, ठीक है। और हाइड्रोजन यहाँ पे कितने थे, चार, तो इसके आधे यानी दो बन जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन थी, और साथ में यहाँ से टू और टू, मतलब दो ऑक्सीजन यहाँ से आ गई, मतलब कुल मिला के चार ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए। हम यहाँ पे चार करके नहीं लिख सकते, क्योंकि फोर टू द एट ऑक्सीजन हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, टू, यानी फोर बाय टू करना पड़ेगा बेसिकली, तो हो जाएगी टू टू द फोर, यानी कुल मिला के चार ऑक्सीजन यहाँ पे भी बैलेंस हो गए, ठीक है। अब अगर आप चेक करना चाहें तो क्या करेंगे, कार्बन चेक कर लो, यहाँ पे एक थे तो यहाँ पे भी एक ही है, कार्बन बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं है ना, चार, और यहाँ पे भी कितने हैं, चार है, मतलब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ पे कितनी चार है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी हो जाएगी, कुल मिला के चार, मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस है, मतलब ये पूरी रिएक्शन क्या है, बैलेंस है, ठीक है। बात समझ में आई क्या, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो अपने ले लिया यहाँ पे बेंजीन ले लिया, ठीक है, जैसे सी सिक्स एच सिक्स ले लिया, इसको अगर आपने क्या करा, इसका अपने क्या करा, कम्बशन करा, तो जला डाला इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है ना, बनेगा क्या, दो ही चीज़ें बनेगी, सी ओ टू बनेगा और दूसरा आपका एच टू ओ ही जो है वो बनेगा। सी ओ टू कितना बनेगा, जितने यहाँ पे कार्बन थे उतने यानी छः, और एच टू कितना बनेगा, जितने कार्बन थे यहाँ, जितने हाइड्रोजन थे उसके आधे, यानी कितने हो जाएंगे यहाँ पे,
है ना, तीन। अच्छा अगर आप ध्यान से देखें तो कितने हो जाएंगे, 6 to 12, यानी 12 ऑक्सीजन यहाँ से आ जाएगी और 3 ऑक्सीजन यहाँ से आ जाएगी, यानी कुल मिला के देखा जाए तो 15 ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगी। यानी मुझे अगर रिएक्शन को बैलेंस करके लिखना है ना, रिएक्शन को अगर मुझे बैलेंस करके लिखना है तो मुझे ऐसे करके लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे O2 लिखा है तो मुझे लिखना पड़ेगा 15/2, है ना। तो ये 15 हो जाएगी ऑक्सीजन। अब अगर आप चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो, कार्बन यहाँ पे 6 थे, यहाँ पे भी 6 थे, कार्बन बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन अगर आप चेक करना चाहो तो 6 यहाँ पे थे और यहाँ पे भी 3 2 6 यानी 6 हो जाएंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 15, और यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे, 12 और 3 यानी 15, यानी ऑक्सीजन भी यहाँ पे बैलेंस है। तो पूरी रिएक्शन ये वाली कैसी हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लो मैंने इस रिएक्शन में ये 1 मोल लिया होता, है ना, अगर मैंने क्या लिया होता, ये 1 मोल लिया होता, तो इस रिएक्शन में क्या होती, जो भी हीट निकलती है ना, कुछ कुछ हीट यहाँ पे निकलती, मान लो एक्स अमाउंट ऑफ हीट निकल रही है, तो अपन क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी है वो कहलाती है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ, है ना, कार्बन, ये मिथेन CH4। और ये कुछ कुछ जैसे एक्स निकल रही है तो एक्स लिख देते हैं अपने यहाँ पे और नेगेटिव साइन लगा देते, जो इस बात को रिलीज बताता कि एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है ना, रिलीज हो रही है। और दूसरी चीज़, ये प्रोसेस अगर रिलीज हो रही है हीट तो हम कहेंगे एंथैल्पी, यानी ये जो वैल्यू है क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक, मतलब कंबशन क्या है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। इस रिएक्शन, अच्छा अगर मान लो मैं इसको 1 मोल की जगह पर मान लो 5 मोल ले लेता, या मान लो 2 मोल ले लेता, सपोज कर 2 मोल ले लेता, तो उस दौरान पे अगर मान लो इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होती, इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होती, उसको कभी भी एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4 नहीं कहा जाता, है ना, उसको कभी भी नहीं कहते। वो जो वैल्यू होती वो बेसिकली क्या होती, 2 टाइम्स ऑफ दी, मतलब इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होती ना, वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ दी, है ना, कार्बन मोनोक्स, सॉरी, ये अपने मिथेन की 2 गुना होती, है ना, 2 गुना होती। यानी अगर मुझे क्या करना है, मुझे अगर मान लो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4 निकालना होती तो मुझे क्या करना पड़ता, इस रिएक्शन की जो भी एंथैल्पी होती उस रिएक्शन को डिवाइड, उस वैल्यू को डिवाइड कर देना पड़ता 2 से। एक ही बात है, समझ में आ गया होगा, है ना। अगर मान लो उसमें अपन ने क्या करा, उसी तरीके से अगर मान लो यहाँ पे अपन ने क्या किया है, अगर इसका 1 मोल सब्सटेंस अपन ने लिया है, ठीक है, तो इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी कहलाएगी वही कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन C6H6, ठीक है। जैसे मान लो जो भी यहाँ पर वाई अमाउंट ऑफ हीट निकल रही है तो अपन क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे माइनस का वाई, और माइनस इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। बात समझ में आई क्या, समझ रहे। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से यूनिट यूनिट आपको पता ही, किलो जूल पर मोल हो सकती, जूल पर मोल हो सकती, कैलोरीज हो सकती, किलो कैलोरीज हो सकती, कुछ भी हो सकती, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा यूनिट होगी तो फिर अपन वहाँ पर जूल लिख देंगे, ठीक है ना, समझ गए, बात समझ में आई क्या। अच्छा अगर मान लो आपको मैंने कुछ जनरल बोल दिया, जैसे मैंने बोल दिया आपको CX और HY का टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन है, और इसकी रिएक्शन अपन ने क्या करी, मतलब इसका अपन ने क्या करा, कंबशन करा डाला, तो बनेगा क्या यहाँ पे, CO2 ही बनेगा, और साथ में क्या बनेगा यहाँ पे, H2O ही बनेगा, है ना। CO2 कितना बनेगा यहाँ पे, CO2 बनेगा X, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोकार्बन कितने X है, और H2 कितना बनेगा, Y का आधा, यानी Y/2। बात समझ में आई क्या, Y/2। अच्छा ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी 2X, और यहाँ से कितनी हो जाएगी आपकी Y/2, है ना, प्लस में Y/2, मतलब कुल मिलाकर ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। अगर मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है तो कितनी लिखूंगा ऑक्सीजन में, यहाँ पे पूरी पूरी नहीं लिख सकता, है ना, क्योंकि यहाँ 2 है तो डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, है ना। कितनी हो जाएगी, हो जाएगी बेसिकली आपकी, है ना, कितनी हो जाएगी, हो जाएगी आपकी, है ना, 2X प्लस में Y/2 का आधा, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिकली आपका, है ना, 2X को डिवाइड करूँगा 2 से और Y/2 को भी डिवाइड करूँगा 2 से, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा X प्लस में Y/4, है ना। तो उसमें चाहूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ बिल्कुल ऐसे ही, कैसे उभाऊ X+Y/4 X+Y/, है ना। जब भी क्वेश्चन आप बहुत सारे जब करेंगे ना, तो ये चीज़ आपके, मतलब हाँ, मतलब सोचना भी ज़्यादा नहीं पड़ेगा, आप बस सोच, मतलब लिखते जाएंगे कंटिन्यूसली, ठीक है, समझ लो। तो कहने का मतलब ये कि बस समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बता रहा हूँ, बाकी चीज़ें बड़ी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मान लो हाइड्रोकार्बन में अपने के पास ऑलरेडी क्या प्रेजेंट हो, है ना, हाइड्रोकार्बन के पास ऑलरेडी क्या प्रेजेंट हो अपने पास, है ना, जैसे मान लो अपन बात करते हैं ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अपन ले लेते हैं यहाँ पे कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें ऑलरेडी एक्सो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जैसे मान लो C2H5OH, है ना। अब अपन ने क्या करा, कंबशन करा डाला, क्या बनेगा यहाँ पे, CO2 बनेगा, और क्या बनेगा यहाँ पर आपका, H2O ही जो है वो बनेगा। लेकिन यहाँ पर देखना, ऑक्सीजन को बैलेंस करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा, जैसे ये तो आप सही करोगे 2 थे तो 2 हो जाएंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, सॉरी 6 है, तो ये भी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे, 2, है ना, 2 यहाँ से, 4 है, है ना, यहाँ से कितने, 4, और यहाँ से कितने, 3, यानी कुल मिला कितने ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है, 7 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे मैं 7 या 7/2 नहीं लिख सकता, क्योंकि यहाँ पर 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मुझे 7 में से पहले 1 माइनस करना पड़ेगा, मतलब 6 बचे, मतलब मुझे ऐसा कुछ करना है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की जो मात्रा है 6 जो कम है वो बैलेंस हो जाए, है ना, वो बैलेंस हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे जो है वो यहाँ पर, है ना, 6 को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, यानी 3, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 3, यानी 3 ऑक्सीजन मुझे ऐड करना पड़ेगी। अब अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो, जैसे मान लो अपने बात करी कार्बन कितने यहाँ पे, 2, तो यहाँ पे भी कितने हैं, 2 है, मतलब कार्बन बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं आपके, 6, और यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे, 6, यानी हाइड्रोजन भी बैलेंस है। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके, 7, और यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे आपके,
चार पाँच छः सात, यानी ये भी ये जो ऑक्सीजन ये भी बैलेंस है ना। अगर मैंने इस रिएक्शन के दौरान पर अगर इसका एक मोल सब्सटेंस लिया होता, ठीक है, ठीक है, एक मोल अगर इसका सब्सटेंस मैंने लिया होता, तो उस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होती है ना, उस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होती वही कहलाती है आपकी एंथैल्पी ऑफ कंबर्शन ऑफ, एंथैल्पी ऑफ कंबर्शन ऑफ सी टू एच फाइव ओ एच। बात समझ में आई क्या? जो भी जो कि क्या नेगेटिव वैल्यू होती है, ठीक है, समझ रहे। अगर मान लो मैंने क्या करा, तो जनरल फार्मूला में लिखता हूँ, जैसे मान लो है ना, अच्छा अगर मान लो, जैसे मान लो मैंने उठा लिया सी एच फोर और मैंने ये बोल दिया पाँच मोल है ना, मैंने बोल दिया पाँच मोल है, या इसकी जगह आप ले लो कोई दूसरा, जैसे मान लो अपने ये ले लिया सी टू एच फाइव ओ एच ले लिया, सी टू एच फाइव ओ एच ले लिया, ठीक है, और इसका अपने कम्बशन करा डाला है ना, कम्बशन करा डाला, बनेगा तो निश्चित तौर पर सी ओ टू और क्या बनेगा, एच टू ही बनेगा, उसका बैलेंस वैलेंस कर ही लोगे अभी अपने किया ही है ना। इस रिएक्शन में मान लो एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है निकलती है ना, एक्स किलो जूल एनर्जी निकल जाती है, एक्स किलो जूल जो है वो निकल जाती है, तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी क्या कहलाएगी, एक्स किलो जूल है ना, एक्स किलो जूल कहने लगेगी, ठीक है, फॉर फाइव मोल्स, ठीक है। बट दिस इज नॉट कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ सी टू एच फाइव ओ एच, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ सी टू एच फाइव ओ एच की नहीं खिलाएगी, ठीक है, नहीं खिलाएगी। बात समझ में आई क्या? तो ये क्या, अच्छा अगर तो बेसिकली ये इसको जरूर ऐसा जरूर बोल सकते हैं कि फाइव टाइम्स एक इस चीज़ की एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ सी टू एच फाइव ओ एच की, यानी अगर मुझे एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ क्या निकालता है, क्या निकालना है, सी टू एच फाइव ओ एच निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी उसको डिवाइड कर देना पड़ेगा फाइव से, जितने मोल्स इसके लिए थे ना उससे। बात समझ में आई क्या? बिल्कुल सीधी बात है। अच्छा अब जैसे एग्जांपल के तौर पर अपने कार्बन लिया, कार्बन सॉलिड है, अभी दो इसके इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, डायमंड हो सकता है ना, या फिर ग्रेफाइट भी हो सकता है ना, ग्रेफाइट भी हो सकता है, अभी कौन सा है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं अभी अपन उठा के लेके आ गए हैं है ना, डायमंड उठा के लेके आ गए, और इसका अपने क्या करा, जला डाला ऑक्सीजन की एक्सेस में है ना, तो क्या बनेगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट है ना, तो बेसिकली यहाँ पर क्या बनेगा, सी ओ टू बनेगा, साथ में क्या बनेगा, एच टू बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पर आपका, किसी एच सी ओ टू बनेगा, एच टू बनेगा, उसका बैलेंस वैलेंस करके लिख ही लोगे। अच्छा यहाँ पर एच टू बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन तो थे ही नहीं है ना, तो यहाँ पर एच टू बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, कार्बन से सीधे सीधे क्या बन जाएगा, सी ओ टू बन जाएगा। और अगर इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन किया जाता है ऑक्सीजन, ये जो यहाँ पर अभी अपने ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस में ली है, अगर ये ऑक्सीजन को एक्सेस में ना लेकर के अपन पार्शियल ऑक्सीडेशन करते, मतलब लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन डालते, तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड बनता, वो कंबशन रिएक्शन नहीं कहलाती, ठीक है। ये सी ओ टू गैस में बनेगी, ये भी गैस अपन गैस था और ये कार्बन मोनोऑक्साइड सॉलिड में दिखी रहा है, इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी वो कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन सॉलिड है ना, और वो भी कौन से का, डायमंड का, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे मान लो अपन ने मान लो एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही थी, ठीक है, तो आंसर इसका सीधी सी बात है नेगेटिव में आएगा है ना, हम कह देंगे माइनस का एक्स है, जैसे मान लो है ना माइनस का एक्स किलो जूल है ना, और ये एक मोल के लिए तो तब लिख देंगे किलो जूल पर मोल है ना। अगर मान लो इस कार्बन सॉलिड की जगह पर अपन ने डायमंड ले लिया हो, तो मतलब है ना इसका जो दूसरा आइसोट्रोपिक फॉर्म है डायमंड की जगह पर अपन ले लेते हैं यहाँ पर ग्रेफाइट, क्या ले लेते हैं यहाँ पर अपन ले लेते हैं ग्रेफाइट। अब अगर ग्रेफाइट ले लेते और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा डालते जरा डालते तो बनता तो आपका सी ओ टू गैस ही, लेकिन इस रिएक्शन की एंथैल्पी जो होती वो कहलाती है आपकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ है ना, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट क्या कहलाती, ग्रेफाइट की एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहलाती। और जैसे मान लो इस रिएक्शन के दौरान पे वाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है, तो हम कहेंगे माइनस का वाई किलो जूल पर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक्स है ना, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों डिफरेंट है, अलग अलग है। क्यों अलग अलग है, क्योंकि ये एलेट्रॉपिक अलग अलग है, एलेट्रॉपिक फॉर्म अलग अलग है। मैंने आपको बताया था एंथैल्पी ऑफ कंबशन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या कोई भी हीट ऑफ रिएक्शन है ना, किस किस बात के ऊपर डिपेंड करती है, फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है ना, जैसे सॉलिड है या गैस है या लिक्विड है, या उसका अगर एलेट्रॉपिक फॉर्म है तो वो कौन सा है, ठीक है, इन सब बातों के ऊपर भी डिपेंड करती है ना। उसके अलावा सराउंडिंग टेम्परेचर क्या है, इसके ऊपर भी डिपेंड करती है ना। अगर मान लो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या चलो मान लो एंडोथर्मिक रिएक्शन है और सराउंडिंग टेम्परेचर ज़्यादा है, तो मतलब कम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो मुझे देनी पड़ेगी है ना, समझ रहे। बहुत सारी चीज़ें होती है डिपेंड करती है, और शुरुआती रूप में मैंने बता रखा है, ठीक है, बात समझ में आई क्या? अच्छा एक चीज़ और सुनना, जैसे मैंने आपको बोला कार्बन सॉलिड है ना, कार्बन सॉलिड है ना, मान लो कोई भी ग्रेफाइट है, डायमंड है, जो भी है, और अपन ने क्या करा, इसका कंबशन करा डाला, जरा डाला, इसको क्या बनेगा, सी ओ टू बनेगा, ठीक है। अगर मैंने एच टू का कंबशन करा दिया होता, ठीक है, एच टू का कंबशन करा दिया होता ओ टू की प्रेजेंस में, मतलब जरा डालते, तो क्या बनता, यहाँ पर एच टू बन जाता, यहाँ पर सी ओ टू नहीं बनता क्योंकि यहाँ पर कार्बन तो था ही नहीं, ठीक है। अगर मान लो मैं क्या करूँ, कार्बन सॉलिड की रिएक्शन इस एच टू के साथ करा दूँ, इनकी इन दोनों के आपस में रिएक्शन करा दूँ है ना, और क्या बना दूँ है ना, क्या बना दूँ, सी एच फोर बन जाएगा, सी एच फोर, ठीक है। इस रिएक्शन की एंथैल्पी होगी कुछ 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 होगी इस रिएक्शन की है ना, हम उसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं एंथैल्पी है ना, एरो के ऊपर लिख देते हैं। अगर मान लो कार्बन का अपन ने क्या करा, जरा डाला, कंबशन करा दिया, तो क्या बनेगा, सी ओ टू बनेगा, ठीक है, इस रिएक्शन। और यहाँ पे अगर मैंने एच टू का कंबशन करा दिया, तो क्या बनेगा, एच टू बनेगा, दिख ही रहा है ना, जरा डाला है ना, ओ टू की, ओ टू के एक्सेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अगर मैं यहाँ पर एंथैल्पी की बात करूँ, इस रिएक्शन की एंथैल्पी की बात करूँ, तो वो क्या कहलाएगी, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ
कार्बन सॉलिड, ठीक है। और उसी तरीके से इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी, इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी वो कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2O, है ना, सॉरी H2, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2, ठीक है ना। और अगर मान लो मैं इसका क्या करता, अच्छा पहले बैलेंस करके चाहूँ तो मैं लिख लेता हूँ, पहले तो इस रिएक्शन को पूरा बैलेंस कर देता हूँ। जैसे ये दो होंगे क्योंकि यहाँ पे चार हाइड्रोजन बन रहे हैं, चार हाइड्रोजन चाहिए, है ना, और ये 2H2O बनेगा, तो ये कहलाएगा आपका एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2 इनटू में 2, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2 क्या कहलाता है, फॉर दी वन मोल, पर ये दो है तो मुझे दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मान लो CH4 का अगर मैं सीधे सीधे कंबशन करा देता तो भी तो CO2 2H2 ही बनता है ना। देखो एक कार्बन तो एक CO2 और चार हाइड्रोजन तो यहाँ पर 2H2O, तो इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी कहलाती है वो कहलाती है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4, है ना। अब अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, हैस लॉ लगा देता हूँ, है ना। अगर मैं क्या करता हूँ, हैस लॉ लगा देता हूँ, जो कि कहता है कि जो एंथैल्पी है या हीट ऑफ रिएक्शन है वो स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं है, तो वो किसी भी पाथ से जाएगा तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो टोटल हीट चेंज क्या होती है रिएक्शन की, वो कॉन्स्टेंट होती है, सेम होती है ना। तो मैं चाहूँ तो, है ना, सबसे पहले तो एक ही डायरेक्शन में करता हूँ, या तो मैं लेफ्ट राइट टू लेफ्ट कर देता हूँ, लेफ्ट टू राइट कर देता हूँ। तो मैं काम करता हूँ, ये जो नीचे वाली रिएक्शन है ना, इसको मैं इसका डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ। इसका डायरेक्शन मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, है ना, यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा इसको मुझे। और जैसे ही मैं डायरेक्शन चेंज करता हूँ तो साइन नेगेटिव हो जाता है, ये कौन कहता है, लेवोसी लैपलास लॉ कहता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, समझ रहे। अब मुझे क्या करना है, लगाना क्या है, हैस लॉ लगाना है, यानी ये इज इक्वल्स टू पे ये प्लस ये प्लस ये, है ना, ये इज इक्वल टू ये प्लस ये प्लस ये, यानी क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन डेल्टा एच आर जो लिखा है ऊपर अपन ने, इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी है वो किसके बराबर हो जाएगी, इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी हो जाएगी आपकी, है ना, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन सॉलिड प्लस में एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2 प्लस में एंथैल्पी माइनस हो जाएगा यहाँ पे, है ना, माइनस लिखा हुआ ना, तो ये हो जाएगा माइनस लिखा ना यहाँ पे, तो माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ, मतलब प्लस ही करना है लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है तो ये माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4। अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखें तो ये क्या था, कार्बन सॉलिड, ये था H2O, और ये कहाँ पर प्रेजेंट था, रिएक्टेंट साइड में प्रेजेंट था। तो बेसिकली क्या है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ, है ना, रिएक्टेंट है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट है, और ये क्या है, ये है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4 कहाँ पर प्रेजेंट है, प्रोडक्ट साइड में प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। और अगर मोर देन वन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होते तो उनका क्या करते थे, समेशन कर देते। तो मतलब बेसिकली किसी भी रिएक्शन के लिए अगर मुझे एंथैल्पी ऑफ कंबशन लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, माइनस में एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर मुझे मान लो कोई रिएक्शन लिखी हुई है और उसमें जो भी कंपोनेंट इन्वॉल्व है, अगर मुझे एंथैल्पी ऑफ कंबशन उनकी इंडिविजुअली मालूम है, तो क्या मैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकता क्या? और स्टैंडर्ड स्टेट पे तो मुझे एंथैल्पी ऑफ कंबशन सभी की पता होती है ना, स्टैंडर्ड स्टेट में STP पे या कोई भी पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे, तो उसी टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे उस रिएक्शन की एंथैल्पी को मैं निकाल सकता हूं, है ना, अगर मुझे एंथैल्पी ऑफ कंबशन दोनों रिएक्टेंट प्रोडक्ट की मालूम हो तो। अगर मान लो मोर देन वन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हुए तो मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे समेशन कर दूंगा, समझ लो। जैसे मान लो आपके पास कोई भी रिएक्शन है x प्लस y, या इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, एक सेकंड लिख सकते हैं अपन, जैसे मान लो अपन ने लिख दिया है, है ना, ए है कोई बी के साथ रिएक्ट कर रहा है और सी बना रहा है और डी बना रहा है ना, इसके स्टोइकोमेट्री मान लेते हैं, कह देते हैं कि वन है, ये टू है, ये हो जाएगी थ्री, ये हो जाएगी फोर। अगर मुझे इस रिएक्शन की एंथैल्पी लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ, है ना, डी, है ना, डी, ठीक है, और मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फोर से, ठीक है, और कितना हो जाएगा, सॉरी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट बोला मैंने, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करने लग गया मैं, तो एंथैल्पी ऑफ क्या हो जाएगा आपका, है ना, ए, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ए, और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वन से, तो वन का क्या मतलब है ना, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बी, और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा किससे, टू से, माइनस में ये हो गया आपका रिएक्टेंट, है ना। अब ये प्रोडक्ट का बचा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट कौन बचा, यहाँ पर कार्बन, है ना, और क्या हो जाएगा, है ना, मैं चाहूँ तो ऐसे करके लिख सकता हूँ इसको, फिर बाद में ब्रैकेट खोलूंगा तो फिर नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ डी, है ना। और फिर इस ब्रैकेट को अगर मैं खोल दूँ तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, है ना, ब्रैकेट अगर मैं खोल दूँ तो ये प्लस भी जो है नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हो गया, ये रिएक्टेंट में से अपन ने क्या करा, प्रोडक्ट को माइनस कर दिया। अच्छा एक चीज़ और रह गई, कार्बन कितने, ये सी कितने थे, तीन, तो मुझे तीन से मल्टीप्लाई इसको करना पड़ेगा, और डी कितने थे यहाँ पे, चार, तो मुझे चार से मल्टीप्लाई इसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो समेशन बेसिकली अपन ने कर दिया, ठीक है। तो क्या हो जाता है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्या होता है चीज़ें शॉर्ट में सॉल्व हो जाती है, ठीक है, समझ लो। और नहीं अगर ये फॉर्मूला पाता ध्यान है तो भी सवाल तब भी सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा समय लग जाए, हल्का सा टाइम लग जाए, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो सकता है। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं जो आपकी चीज़ों को जल्दी सॉल्व करने में मदद करते हैं, ठीक है। बात समझ में आई क्या? अब हम दो चार क्वेश्चन देखेंगे, है ना, उससे और चीज़ आपको समझ में आएंगी, है ना। जैसे मैंने आपको शॉर्ट में लिख देता हूँ क्वेश्चन में, यहाँ पे मैंने बोला इफ़, है ना, इफ़ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, है ना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन
है ना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी ओ टू माइनस का एक्स है, ठीक है। और दूसरा मैंने बोला आपसे फाइंड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ है ना ग्रेफाइट, ठीक है, समझ गए क्वेश्चन। तो बेसिकली क्या है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन की बात कर रहा है अपन से, ठीक है। तो बेसिकली अपन ने क्या करा है ना, कार्बन सॉलिड था, ग्रेफाइट था, मान लो ये है ना क्या था, ग्रेफाइट, इसका कंबशन करा डाला, जला डाला, और क्या बनेगा इसमें, सी ओ टू बनेगा। अगर इस रिएक्शन की एंथैल्पी की बात करूँ तो दिख रहा है ये कंबशन एंथैल्पी किस चीज़ की, एंथैल्पी ऑफ कंबशन है किस चीज़ की, कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट की, है ना। और अगर आप ध्यान से देखें तो सी ओ टू बनाया जा रहा है फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूटिंग सॉरी है ना ऑफ देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स, ठीक है, बनाया जा रहा है काय से, ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स ऑफ देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स, यानी कार्बन का और ऑक्सीजन से बनाया जा रहा है, और कार्बन अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट है ग्रेफाइट में, और ऑक्सीजन अपनी स्टैंडर्ड स्टेट पर प्रेजेंट है ऑक्सीजन गैस में। तो बेसिकली ये बेसिकली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी ओ टू भी कहलाएगी। तो बेसिकली एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ये तो दे रखा है, यही तो दे रखा है अपन को, कितना है, माइनस का एक्स यही तो दे रखा है, तो ये भी कितना आ जाएगा आपका, माइनस का एक्स। तो एक तो आपको सिंपल लॉजिक से क्वेश्चन समझ में आ गया, दूसरा अगर मान लो फॉर्मूला लगा देते, जैसे मान लो आपने कहा एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन जो है वो अपन से है ना पूछ रहा है, ठीक है, जैसे आपसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी ओ टू पूछ रहा है, तो जिस जो पूछ रहा है वो रिएक्शन अपन ने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो उसको लिख देते हैं वापस से अपन यहाँ पे, सिंपल बड़ा क्वेश्चन है, कोई उल्लू बनाने वाला मतलब सवाल है, लेकिन मैं आपको दो तीन चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ, आप समझ जाएंगे कि अपन ने क्या करा, जो पूछ रहा है उसके लिए अपन ने सबसे पहले तो रिएक्शन लिख दी और सी ओ टू बना दिया, ठीक है ना। और ये आपका क्या था, ग्रेफाइट था, है ना। इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी है वही कहलाएगी आपके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, क्योंकि ये काय से बना रहे, कार्बन और ऑक्सीजन से, ऑफ देयर स्टैंडर्ड स्टेट, है ना, क्या कहलाएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी ओ टू कहलाएगा। ये अपन से पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। अगर इस रिएक्शन की एंथैल्पी को मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस सॉरी प्रोडक्ट माइनस का रिएक्टेंट, फॉर्मेशन के टाइम पे प्रोडक्ट माइनस का रिएक्टेंट करते हैं तो कितना हो जाएगा, एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ सी ओ टू और माइनस का है ना रिएक्टेंट सॉरी प्रोडक्ट माइनस का रिएक्टेंट, तो हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन सॉलिड और माइनस का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओ टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ है ना, ये तो दिख ही रहा है कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन सॉलिड है। अच्छा ये बताओ, ये तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट है, ये तो स्टैंडर्ड स्टेट, और मैंने बताया स्टैंडर्ड स्टेट में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होती है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और ये आपको दे रहा है माइनस का एक्स, यानी क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी ओ टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस का एक्स। तो यहाँ से करो, वहाँ से करो, कहीं से भी करो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, बात समझ में आई क्या। एक क्वेश्चन और लिख लो यहाँ पर, एक क्वेश्चन मैंने और बोला आपको क्या, कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी ओ टू और H2O को दे रखा है अपन ने माइनस का वाई एंड माइनस का जेड रिस्पेक्टिवली, यानी सी ओ टू के लिए ये दे रखा है और इसके लिए ये दे रखा है, ठीक है। और दूसरा मैंने दे रखा है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ सी एच फोर, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ सी एच फोर वो दे रखा है मैंने आपको माइनस का एक्स। और मैंने आपसे बोला कि एंथैल्पी ऑफ है ना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एच फोर जो है वो क्या होगी, है ना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एच फोर क्या होगी, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं सवाल करने के, सबसे पहले तो क्या करो आप इसको फॉर्मूले से करके देखो, ठीक है, फॉर्मूले से, क्योंकि जल्दी सवाल हो जाते हैं ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने क्या करा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करा है ना, अगर मान लो आप सी एच फोर की रिएक्शन ओ टू से करा दें, मतलब क्या करें, इसका कंबशन रिएक्शन लिखें ओ टू के साथ करा दें, तो क्या बनेगा, सी ओ टू बनेगा और क्या बनेगा आपका, एच टू बनेगा। इस रिएक्शन को पहले तो बैलेंस कर लो, है ना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक, और ये कितना हो जाएगा आपका दो, और ऐसा करने की वजह से कितना हो जाएगा आपका दो, ही रिएक्शन अपने बैलेंस कर लिया, ठीक है, बात समझ में आई क्या। अगर इस रिएक्शन की एंथैल्पी की बात करें तो कितनी हो जाएगी, एंथैल्पी ऑफ है ना फॉर्मेशन ऑफ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी ओ टू है ना रिएक्ट प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या, सी ओ टू और साथ में एच टू है ना, इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी ओ टू प्लस में टू टाइम्स ऑफ द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच टू ओ है ना, और क्या हो जाएगा माइनस में एंथैल्पी ऑफ है ना फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस का रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है सी एच फोर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओ टू भी आएगा, लेकिन इसको लिखने की ज़रूरत इसलिए नहीं क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात ही इसमें नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसी रिएक्शन को मैं क्या बोल सकता हूँ, इसी रिएक्शन को मैं और क्या बोल सकता हूँ, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ सी एच फोर, यानी बेसिकली क्या है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ सी एच फोर दे रखा है बेसिकली, बात समझ में आई क्या। अगर मैं चाहूँ, अच्छा ये चीज़ किसके बराबर दे रखी है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी ओ टू किसके बराबर दे रखा है, माइनस का वाई के बराबर है ना, और ये एच टू के लिए कितना दे रखा है, माइनस का जेड, और टू है तो टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ है ना ये इसके दे रखा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एच फोर कितना दे रखा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यही तो अपन से पूछ रहा है ना, और एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ सी एच फोर कितना दे रखा है अपन को, माइनस का एक्स दे रखा है। तो मेरे ख्याल से आप बात समझ में समझ गए, माइनस का वाई माइनस का टू जेड है ना इज इक्वल्स टू पे सॉरी माइनस का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, माइनस का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ है ना सी एच फोर,
इज इक्वल्स टू पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का एक्स। मुझे निकालना क्या है यहाँ पर, ये निकालना है मुझे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एच फोर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, उसको राइट साइड में लेके जाओ तो ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस का वाई माइनस का टू जेड आ गया। ये साइड आएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा, और ये है ना दोनों प्लस में हो जाएंगे अपनी है ना लेफ्ट राइट और राइट में जाके, तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस का वाई माइनस का टू जेड, यानी मेरे पास आंसर जो है उसका ये आ जाएगा। बात पहले पड़ी क्या, इसी तरीके इसी क्वेश्चन को अगर मैं चाहता तो दूसरे तरीके से भी कर सकता था, है ना, देखो कैसे। ठीक है, जैसे आपने यहाँ रिएक्शन लिखी थी, क्या रिएक्शन लिखी थी अपने यहाँ पे, कि अपने पास सी एच फोर है, ठीक है सी एच फोर है, और इसकी अपने रिएक्शन करा दी, ओ टू के साथ में क्या मिल गया आपको सी ओ टू मिल गया, और साथ में क्या मिल गया आपको टू एच टू ओ मिल गया था। इसको भी ऐसे करके लिख देते हैं। मुझे पूछ क्या रहा है, मुझे पूछ रहा है ना, जैसे अगर मान लो बात करें कार्बन सॉलिड की, मतलब ग्रेफाइट की, ओ टू के साथ रिएक्शन करा दें, और है ना यहाँ पर, अच्छा चलो प्रॉपर तरीके से लिखते हैं, अगर मैं क्या करूँ यहाँ पर, है ना ये क्या हो गया एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ सी एच फोर हो गया, यानी ये वैल्यू अपन को दे रखी है माइनस का एक्स, ठीक है माइनस का एक्स दे रखा है ना, और दूसरा अपन को जानकारी दे रखी है क्वेश्चन में, दूसरी जानकारी क्या दे रखी है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दोनों की दे रखी है, सी ओ टू रेस टू की दे रखी है, यानी अगर मुझे सी ओ टू को बनाना है तो मुझे कैसे बनाना पड़ेगा, सी ओ टू को अगर मुझे बनाना है तो कैसे बनाना पड़ेगा, कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट से है ना और ओ टू से, तो ये मिलकर क्या बना लेगा सी ओ टू बना लेगा, और ये एक मोल बन रहा है ना, तो ये कहलाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी ओ टू, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी ओ टू है ना। और अगर मैं कार्बन सॉरी एच टू और ओ टू की रिएक्शन करा दूँ, अगर मैं एच टू और ओ टू की रिएक्शन करा देता तो क्या बन जाता आपका, क्या बन जाता, ये बन जाता आपका एच टू एच टू बन जाता, तो ये कहलाता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच टू ओ, और ये दो बनता तो कह लेते टू टाइम्स है ये बेसिकली, समझ रहे हो। और बेसिकली अगर मैं इनकी रिएक्शन कार्बन और हाइड्रोजन की, इसकी और इसकी रिएक्शन कराता तो क्या बन जाता सी एच फोर बन जाता, इस रिएक्शन को मैं कहलाते वो कहलाती है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एच फोर, ठीक है ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एच फोर कहलाती है। ठीक है, मुझे इसी की वैल्यू जो है वो अपन से पूछ रहा है, इसकी वैल्यू तो अपन को दे रखी है, कितनी दे रखी है इसकी वैल्यू अपन को दे रखी है y, है ना कितनी दे रखी है माइनस का वाई दे रखी, ठीक है माइनस का वाई दे रखी, कितनी दे रखी माइनस का वाई दे रखी, और ये कितना हो जाएगा z, और वो भी कितना टू, और वो भी कितना माइनस का, तो कितना हो जाएगा माइनस का टू जेड। ठीक है, अब मुझे क्या करना है यहाँ पे हैच तो लगाना है, यानी ये बराबर पे ये प्लस ये प्लस ये, मुझे लेकिन डायरेक्शन दोनों सबकी सेम करना पड़ेगी, या तो मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर लूँ, लेकिन मुझे यही निकालना है तो काम करता हूँ मैं, इसको नहीं चेंज करता मैं, इन दोनों की डायरेक्शन को चेंज कर देता हूँ, तो मैं क्या करूँगा डायरेक्शन को चेंज कर दूँगा, तो मैं क्या करूँगा डायरेक्शन को चेंज कर दूँगा, तो जैसे मैं डायरेक्शन को चेंज करूँगा तो ये मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी, तो साइन क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से मैंने क्या करा यहाँ पर, इस वाली की भी डायरेक्शन चेंज कर दी, इसकी भी डायरेक्शन चेंज कर दी, जैसी डायरेक्शन चेंज करी तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब मुझे हैच लॉ लगाना है, यानी माइनस एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस की एक्स की वैल्यू है वह है आपकी, अच्छा ऊपर वाली रिएक्शन को भी तो चेंज करना पड़ेगा, तो मुझे इसकी डायरेक्शन को भी चेंज करना पड़ेगा, तो मैंने क्या करा इसको भी चेंज कर दिया, और जैसे ही इसको चेंज करा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी बेसिकली जो प्लस एक्स है वो किसके बराबर है, जो प्लस एक्स है वह है आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एच फोर है ना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एच फोर है ना, प्लस में ये यानी कितना हो जाएगा प्लस में वाई, और प्लस में कितना हो जाएगा टू जेड। अब मुझे निकालना क्या है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एच फोर, और वो कितना निकल के आ जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सी एच फोर अगर मुझे निकालना है तो कितना आ जाएगा, वो जाएगा आपका x, और ये दोनों को मैं क्या करूँगा उस साइड लेके चले आऊँगा, तो कितना हो जाएगा माइनस का वाई माइनस का टू जेड, यानी अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी सेम आ रहा है, यानी क्या हो जाएगा देखो ये और ये है ना दोनों सेम आ रहा है ना। अगर मैं चाहता तो जरूरी नहीं कि मैं इक्वेशन रट के जाऊँ, ये सोच के जाऊँ कि यही इक्वेशन बनाना पड़ेगा, आप कोई भी इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर है ना, जैसे मान लो अपन ने मान लो रिएक्शन लिख ली यहाँ पर है ना, मान लो अपन ने बात करी, अपन से पूछ रहा था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ है ना सी एच फोर के बारे में पूछ रहा था। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एच फोर के बारे में पूछ रहा था, तो हम इससे संबंधित रिएक्शन लिख लेते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एच फोर यानी अपन को बेसिकली बनाना क्या है, बनाना क्या है अपन को बनाना है क्या सी एच फोर, तो ये बन गया आपका सी एच फोर। कैसे बनेगा है ना, मतलब उल्टा बोल दिया अपन ने, सॉरी एक सेकंड मैं इसको प्रॉपर एक नेक्स्ट पेज में समझाता हूँ, यहाँ थोड़ा हॉट पॉच हो गया। मुझे क्या करना है एंथैल्पी ऑफ एंथैल्पी ऑफ पूछ क्या रहा है अपन से, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एच फोर पूछ रहा है। ठीक है, तो मुझे सी एच फोर को बनाना है और एंथैल्पी फॉर्मेशन की बात कर रहा है, इसका मतलब मुझे कैसे बनाना पड़ेगा है ना, कैसे बनाना पड़ेगा कार्बन और हाइड्रोजन से बनाना पड़ेगा, और वो भी उनकी स्टैंडर्ड स्टेट से बनाना पड़ेगा। तो ये ग्रेफाइट हो गया है ना, ये हो गया आपका ग्रेफाइट, और ये हो गया आपका एच टू गैस। ठीक है, तो और ये भी कितनी हो जाएगी टू हो जाएगी, बैलेंस करके लिख दिया। और एंथैल्पी फॉर्मेशन की बात कर रहा था तो एक मोल था, तो एक मोल अपन ने बना दिया। ठीक है ना, इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी वही कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एच फोर, और खुशी की बात यही है कि ये अपन से पूछ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्या कि मुझे क्या क्या दे रखा है।
मुझे दे रखा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी ओ टू और एच टू ओ, है ना, एक्स टू एक्स और वाई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, है ना। तो अगर मुझे क्या करना है, सी ओ टू बनाना है तो कैसे बनाना पड़ेगा, इससे बनाना पड़ेगा, ओ टू के साथ रिएक्शन करा देंगे तो क्या बन जाएगा, सी ओ टू बन जाएगा। इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी वो कितनी हो जाएगी, माइनस का वाई हो जाएगा, दे रखा है। और उसी तरीके से ये एच टू से मैं क्या बनाऊंगा, एच टू ओ बना लूंगा, ये दो थे तो ये भी दो हो जाएंगे, और मतलब चार थे तो मतलब कुल मिलाकर चार हाइड्रोजन हो जाएंगे ना। और O2 के साथ रिएक्शन करी तो अपन को क्या मिल गया यहाँ पर, ये मिल गया। O2 तो एक्सेस में होती है, उसको बैलेंस करो नहीं करो कोई फर्क पड़ना नहीं है। और ये रिएक्शन की एंथैल्पी कितनी दे रखी है, जेड दे रखी है, और माइनस का जेड दे रखी है, और टू टाइम से ये टू टाइम बन रहा है, तो इसका मतलब ये भी टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या जानकारी दे रखी है, और जानकारी दे रखी है कि एंथैल्पी ऑफ, है ना, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ सी एच फोर भी दे रखा है। तो अगर मैं क्या करता, है ना, इस सी एच फोर का सीधे सीधे कंबशन करा देता तो मुझे ये तो मिलता, सी ओ टू और एच टू ही तो मिलता, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ सी एच फोर दे रखा है। देखो ये एक थे तो ये एक बनता, ये चार है तो ये दो, चार का आता है दो बनता, है ना। तो क्या बन जाता है यहाँ पर आपका, है ना, ओ टू के साथ रिएक्शन करा देते, जरा डालते और अपन को क्या बन जाता, सी ओ टू और एच टू बन जाता। इस रिएक्शन को मैं कहलाते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ सी एच फोर कहलाता। बिल्कुल सही स्टार्ट कहानी, हिसाब किताब बिल्कुल बैलेंस्ड है। अगर मुझे हैच लो लगाना है तो हैच लो क्या हो जाएगा, ये बराबर पे ये प्लस ये, है ना, प्लस पे ये, लेकिन डायरेक्शन सबसे पहले सेम करो, है ना। तो एक काम करते हो, ये वाली रिएक्शन लिखी हुई है ना, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता हूँ। अच्छा ये वैल्यू कितनी दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है आपको कितनी दे रखी है, माइनस का एक्स दे रखी है, तो कितनी हो जाएगी, हो जाएगा माइनस का एक्स, ठीक है। अगर मैंने इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन किस तरीके से हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी आपकी, इसको मैं थोड़ा ढंग से लिखता हूँ, ये हो गया। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एच फोर बराबर पे माइनस का वाई, है ना, बराबर पे माइनस का टू जेड, है ना, बराबर पे प्लस का एक्स, यानी कितना हो जाएगा, एक्स माइनस का वाई माइनस का टू जेड। अरे तो वही आ गया जो था, मतलब यही आ गया, है ना, मतलब यही आ गया, है ना, मतलब यही आ गया, समझ रहे। तो कहीं से भी करो, कैसे भी करो, किसी भी तरीके से करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस करना है अपन को, ठीक है, समझ रहे। तो आंसर आपका वही मिलेगा, तो इक्वेशन कुछ भी लिख लो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक तरीका और हो सकता है इसको करने का, एक तरीका और क्या हो सकता है इसको करने का, है ना, आप इक्वेशन बना बना के करो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमको क्या दे रखा है, अपन को दे रखा है एंथैल्पी ऑफ, है ना, फॉर्मेशन ऑफ सी ओ टू, यानी सी ओ टू को बनाना है अपन को। अब सी ओ टू को अगर अपन को बनाना है तो कैसे बनाना पड़ेगा, कार्बन से ऑक्सीजन से बनाना पड़ेगा, और कार्बन को मुझे लेना पड़ेगा कार्बन सॉलिड ग्रेफाइड में, और ओ टू होगा यहाँ पर गैसियस रिएक्शन होगी, सी ओ टू बन जाएगा। इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी वो कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ, सॉरी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी ओ टू, है ना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी ओ टू कहलाएगी, और जो कि ऑलरेडी अपन को किसी तरह की माइनस का वाई दे रखी है ना, ये अपन एंथैल्पी लिख रहे हैं रिएक्शन की, वही कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ कंबशन, जो भी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। उसी तरीके से क्या दे रखा है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ अपन को, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अपन को, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच टू भी दे रखा है। कैसे बनाना पड़ेगा, एच टू से बनाना पड़ेगा, और कैसे बनाना पड़ेगा, ओ टू से बनाना पड़ेगा, है ना। बैलेंस वैलेंस आप चाहो तो, है ना, वो कर सकते हो, कोई बड़ी बात उसमें है नहीं, कर लो हाफ इसको गैस, और गैस होगी स्टैंडर्ड स्टेट पे, तो एक मोल बनाना है क्योंकि एंथैल्पी फॉर्मेशन की बात कर रहा है। ये जानकारी दे रखी है माइनस का जेड, ठीक है। और अपन को तीसरी जानकारी दे रखा है कि एंथैल्पी ऑफ, है ना, कंबशन ऑफ सी एच फोर है, तो इसका कंबशन करा दिया अपन ने, सी एच फोर की रिएक्शन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा डाला, जला डाला, क्या बनेगा यहाँ पे आपका, सी ओ टू बनेगा, और क्या बनेगा आपका यहाँ पे, एच टू बनेगा। अगर आप देखें तो दो यहाँ पे ऑक्सीजन थे, यहाँ पे कितने थे आपके, है ना, एक सेकंड पहले तो बैलेंस कर लो, तो कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा दो और दो, ये भी कितना हो जाएगा आपका, दो रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है, सही साठ हिसाब किताब है, है ना। इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी कितनी दे रखी है, माइनस का एक्स दे रखी है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, नेट रिएक्शन, जो मेरी टारगेट रिएक्शन है वो क्या है, टारगेट रिएक्शन है मेरी, टारगेट रिएक्शन क्या है मेरी, टारगेट रिएक्शन है कि मुझे क्या करना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एच फोर निकालना है, है ना, सही कह रहे हैं ना अपन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एच फोर निकालना है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एच फोर कहाँ गया, ये रहा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एच फोर निकालना है, मतलब मुझे सी एच फोर को बनाना होगा, और सी एच फोर को अगर मुझे बनाना है तो कैसे बनाना पड़ेगा, कार्बन सॉलिड से बनाना पड़ेगा, और कैसे बनाना पड़ेगा, एच टू गैस से बनाना पड़ेगा, और बैलेंस करें तो ये हो जाएगा। इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी वो कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ, है ना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एच फोर, और यही अपन से जो है वो पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। देखो जो हरकत आप रिएक्शन के साथ करते हो वही हरकत उनके एंथैल्पीज के साथ करते हो, वही हरकत उनकी हीट ऑफ रिएक्शन के साथ, वही हरकत उनकी हीट के साथ करते हो बेसिकली, ठीक है। इस रिएक्शन को मैं, है ना, गौर से घूरूं तो मैं क्या कहूँगा कि कार्बन कहाँ पर रिएक्टेंट साइड में है, तो ये भी रिएक्टेंट साइड में मिल गया मुझे। एच टू कहाँ पर, यहाँ पर, है ना, एच टू है यहाँ पर, ये भी रिएक्टेंट साइड में है, लेकिन ये जाहिर सी बात है दो है, तो मुझे इस रिएक्शन को टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कहीं मुझे एच टू दिख भी नहीं रहा है, तो मुझे इस रिएक्शन को, होल रिएक्शन को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू से, तो ये भी टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कर भी दो कोई बड़ी बात है नहीं इसमें, एक काम करो करते जाओ सीधे सीधे, करते जाओ सीधा सीधा,
है ना, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ टू से, है ना, टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो टू से मल्टीप्लाई इसको कर दिया, टू से इसको कर दिया और टू से इसको कर दिया। पहले से टू था, वन बाय टू लिखा था अपने, तो टू से टू कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, है ना। नहीं समझे? अरे भैया वन बाय टू लिखा हुआ था ना यहाँ पे, है ना, जिसको मैंने टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टू से टू कैंसिल, तो बेसिकली ये कितना आ जाएगा, वन ही आ जाएगा, है ना। आप चेक कर सकते हो ना रिएक्शन में हाइड्रोजन कितने, चार है, तो इधर प्रोडक्ट साइड में दोनों तरफ चार है, ऑक्सीजन कितने हैं, दो हैं, तो ये भी कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, सीधी बात है। ये रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। सी एच फोर किस डायरेक्शन में, यहाँ पे सी एच फोर है अपना इस डायरेक्शन में, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, दिख ही रहा है ये तो आपका रिएक्टेंट साइड में, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, और फिर इन ये प्रोडक्ट साइड में, तो इसका मतलब इसको माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे क्या करना है, मुझे इस टारगेट रिएक्शन को बनाने के लिए, अच्छा कर भी देख लो, अगर मैं क्या करूँगा इन दोनों को जोड़ दूंगा तो, और फिर मैं थर्ड में से माइनस कर दूंगा, है ना, तो क्या होगा, है ना, जैसे मैं थर्ड में, थर्ड में से पहले तो मैं क्या करता हूँ दोनों को जोड़ देता हूँ, तो जैसे ही अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये कितनी है, दो ऑक्सीजन है, और ये टू एक दूसरे को मार के ये टू को खत्म कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और क्या क्या कैंसिल हो सकता है यहाँ पर, है ना, और क्या क्या कैंसिल हो सकता है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और क्या क्या कैंसिल हो सकता है यहाँ पर आपका, ये तो काम का है H2, तो ये H2 काम का नहीं है, और H2 को भी हटाना है, तो H2 मुझे और कहाँ दिख रहा है ना, और कहाँ दिख रहा है H2O, इस और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये रहा H2O, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, इन दोनों को जोड़ दिया, है ना, तो सीधी सी बात है, है ना, मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होगे। तो इसका मतलब मुझे अगर टारगेट रिएक्शन को बनाना है, तो टारगेट रिएक्शन को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, एक बार फिर से समझ लो इस चीज़ को जो मैंने बताई आपको, पूरी तामझाम पूरा क्लियर करके फिर से बताता हूँ एक बार मैं आपको, ताकि कोई प्रकार का कन्फ्यूजन जो है वो ना रह जाए, है ना, ठीक है। तो बेसिकली क्या करा अपने, इन दोनों रिएक्शन को जब जोड़ दिया, है ना, तो ये दोनों एक साथ आ जाएंगे रिएक्शन, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे रिएक्शन, और फिर क्या करेंगे, हम थर्ड में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये दो ऑक्सीजन में से क्या हो जाएगा, ये दो ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगी, है ना, इस H2 से ये H2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्या क्या बचा है यहाँ पर, इस CO2 से ये CO2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, और क्या क्या बन जाएगा आपका, ये बच जाएगा आपका, है ना, कार्बन सॉलिड जो कि मुझे चाहिए था, है ना, बच जाएगा आपका H2 जो कि मुझे चाहिए था रिएक्टेंट साइड में चाहिए था, और ये बच जाएगा आपका CH4 जो कि मुझे चाहिए था, जो कि माइनस है तो प्रोडक्ट साइड में आ जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने क्या करा, है ना, टारगेट रिएक्शन को अपने बनाने के लिए क्या करा, है ना, फर्स्ट वाली रिएक्शन को और सेकंड वाली रिएक्शन को जोड़ दिया, और लेकिन सेकंड वाली रिएक्शन को टू से मल्टीप्लाई भी करा, और फिर थर्ड वाली इक्वेशन को उसमें से माइनस कर दिया, ठीक है। यानी क्या करा अपने, फर्स्ट वाली रिएक्शन को जैसे ही जोड़ा, है ना, जैसे फर्स्ट वाली रिएक्शन को जोड़ा, तो बेसिकली क्या होगा, जब पूरी नेट रिएक्शन क्या बनेगी आपकी, नेट रिएक्शन ऐसी बन के आ जाएगी आपकी, है ना, नेट रिएक्शन क्या बन के आ जाएगी आपकी कि 2H2O और माइनस का कितना हो जाएगा आपका CH4, और उस डायरेक्शन पर जाके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस का CH4, है ना। तो मतलब ये रिएक्शन अपन की नेट आ जाएगी, और ये अपन को रिएक्शन चाहिए थी इसका। और क्या करना है फिर अपन को, क्या करना है, जो हरकत आपने क्या करी इनके इन रिएक्शन के साथ करी, वही हरकत क्या करना है आपको इनके डेल्टा एच के साथ करना है, वही हरकत आप उनके डेल्टा एच के साथ करना है, वही हरकत आप उनको डेल्टा एच के साथ करना है। तो बेसिकली आपको फर्स्ट रिएक्शन को जो एंथैल्पी दे रखा है वो कितना दे रखा है, माइनस का वाई, सेकंड रिएक्शन को जो एंथैल्पी दे रखा है वो कितना दे रखा है, माइनस का एक्स दे रखा है, माइनस का जेड दे रखा है, माइनस का जेड दे रखा है, और टू से मल्टीप्लाई है, तो टू से या तो ये मल्टीप्लाई कर लो या ये मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है, दोनों मत कर देना, है ना, यहाँ लिख लो ऐसे करके, या फिर पहले ही कर लो, आपकी मर्जी है। पहले अगर मान लिया इस रिएक्शन का 2Z है तो यहाँ सीधे सीधे 2Z लिख देंगे, और नहीं माना है तो फिर Z से लिखेंगे, फिर यहाँ 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, भाई कॉमन सेंस है। और माइनस का कितना हो जाएगा, थर्ड, थर्ड का कितना दे रखा है, माइनस का x, तो कितना हो जाएगा, माइनस का x, है ना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का y, और प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2Z, और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा x, यानी कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस का y माइनस का 2Z। यानी टारगेट रिएक्शन बनाने के लिए, टारगेट रिएक्शन का जो एंथैल्पी है, टारगेट रिएक्शन की जो एंथैल्पी है वो क्या है, वो है आपकी एंथैल्पी ऑफ, है ना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, है ना, यही आपको है, ये रहा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 इज इक्वल टू पे माइनस एक्स माइनस का वाई माइनस का 2Z। यही तो निकालना था बेटा, ये तो वही है जो अपन निकाल रहे थे इतनी देर से, ये है, ये है, ये है, कहीं से भी निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अपन ने क्या करा, ये भी निकाल दिया अपन ने, देख लेना कोई गलती तो नहीं करी छोटी मोटी, अगर लगता है कुछ गलती हो गई जल्दीबाजी में तो बता देना, मैं देख लूंगा क्या है। तो बेसिकली अपन ने जो मेथड्स है, बेसिकली है ना, मेथड्स है ना, टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दी, है ना, क्वेश्चंस रिलेटेड टू दी थर्मोकेमिस्ट्री, इस पर अपन ने बेसिकली तीन मेथड देखे हैं। पहला अपन ने देखा सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड, है ना, और दूसरा अपन ने देखा कि अपन क्या करेंगे यहाँ पर, है ना, लेवोसियर लेप्लास लॉ एंड हेस लॉ लगाकर, और एक रूल नंबर अपने थर्ड पढ़ा था, इन तीनों का लगाकर अपन जो है अपने कॉमन सेंस लॉजिक से सॉल्व करेंगे। और तीसरा अपन ने देखा कि हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन बना बना के करेंगे, है ना, जो अपने जो एलजेब्रा होता है कि जोड़ दिया रिएक्शन को, घटा दिया रिएक्शन को, मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, है ना, तो ये अपने जो इक्वेशन बना बना के रिएक्शन को सॉल्व करा,
इसमें आपको लग रहा होगा थोड़ा सा मैथमेटिक्स ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो बिल्कुल सही बात है, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, प्योर मैथमेटिक्स थोड़ा सा यहाँ पे लग जाता है कि कौन सी रिएक्शन में क्या जोड़ें कि क्या बन जाए, क्या क्या मल्टीप्लाई कर दें, क्या घटा दें, थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला भी डायरेक्ट मेथड होता है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता। और लेवोसी लैपलास लॉ सबसे सही शॉर्ट मेथड है, क्योंकि केमिस्ट्री में लेवोसी लैपलास और हेस्लो की पढ़ा जाता है, रूल नंबर 3 पढ़ते हैं और उन्हीं का लगा के अपन सवाल सॉल्व करते हैं। तो सबसे सही तरीका जो सबसे एक्यूरेट यही होगा, जो सही होना चाहिए थर्मोकेमिस्ट्री के सवाल को सॉल्व करने के लिए, वो ये सेकंड वाला मेथड ही है। लेकिन क्या होता है, जब क्वेश्चन को बना करते हैं अपन, तो हम ये इंपॉर्टेंट दिमाग में रखते हैं कि क्वेश्चन को करते दौरान पे समय ज़्यादा ना लग जाए, है ना। तो सबसे कम समय काय में लगता है, इस वाले मेथड में लगता है। बट कई बार इस मेथड को लगाते दौरान पे हमें महसूस होता है कि हम कंफ्यूज हो चुके हैं, ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से क्या हो जाए, लंबे लंबे क्वेश्चन में ऐसा होता है। तो फिर आप इस वाले से लेवोसी लैपलास लॉ से करेंगे, और फिर इन दोनों से भी अगर सवाल ना सॉल्व हो तो फिर आप इक्वेशन वाले मेथड से करेंगे। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो समय ज़्यादा लगेगा, और पता पड़ा आपने आधा सवाल सॉल्व करो, बीच में जाके समझ में आया ये तो हम बीच में फंस गए, तो फिर वो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप पहले फॉर्मूला अगर डायरेक्टली लगा पाते हो, देखो अगर मैं तो चाहूँ तो सीधे सीधे इसी से सवाल सॉल्व करूँ, चाहे कुछ भी हो, चाहे समय ज़्यादा लगे चाहे कम लगे, लेकिन मैं लॉजिकली बात करूंगा कि मुझे तो समय बचाना है एग्जाम में, तो मैं फॉर्मूला बेस्ड पहले मेथड अप्लाई करूंगा। पहले मैं सीधे सीधे देखूंगा फॉर्मूला से अप्लाई हो जाता है, एंथैल्पी ऑफ अगर फॉर्मेशन की बात करें तो प्रोडक्ट की प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस कर देंगे, एंथैल्पी ऑफ कंबशन की बात करें तो रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को माइनस करेंगे। ऐसे जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, अगर इनसे आपके सवाल डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं होते तो फिर लेवोसी लैपलास लॉ लगा के देखो, लेवोसी लैपलास लॉ आपको इक्वेशन बनाना पड़ती है और दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा बहुत आपको, और इक्वेशन आप मर्जी जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, टारगेट रिएक्शन दे रखी है, आप उसको देख के बना सकते हैं। टारगेट रिएक्शन को देख के बना लो, या कोई भी कोई पर्टिकुलर जैसे एंथैल्पी फॉर्मेशन के बारे में दे रखी है, या बॉन्ड एनर्जी के बारे में डाटा दे रखा है ना, या फिर आपको जो है वो कंबशन के बारे में जानकारी दे रखी है, कोई पर्टिकुलर रिएक्शन के बारे में जानकारी दे रखी है, उसको देख के बना लो, लग जाओ, हो जाएगा सॉल्व। और फिर आप तीसरा देखेंगे, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसकी रिएक्शंस लिखेंगे, उनकी इक्वेशंस लिखेंगे, सारी डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए कि कौन सा वन मोल बनना है, कौन सा वन मोल कंज्यूम होना है, कौन सी स्टैंडर्ड स्टेट में लेना है, कौन से में नहीं लेना है, कंबशन में एक्जैक्टली क्या होना है, बैलेंस करना आना चाहिए प्रॉपर रिएक्शन को, ठीक है ना। तो सब इक्वेशन लिखेंगे, फिर टारगेट रिएक्शन लिखेंगे, और फिर सोचेंगे कि टारगेट रिएक्शन को इन इक्वेशन के साथ क्या किया जाए कि ये टारगेट रिएक्शन बन जाए। और फिर जो हरकत आप उन इक्वेशंस के साथ करोगे इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द टारगेट रिएक्शन, वही हरकत आपको जो है वो उनके एंथैल्पी के साथ करना पड़ेगी, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, उनके साथ करना पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी आपकी तो सबसे पहले जो जो ऑर्डर लिखा गया ना, तो सबसे पहले आपको यही वाला तरीका याद रखना है, इसी से आप सॉल्व करेंगे सवालों को, फिर आप इसका यूज़ करेंगे, और फिर आप जो इसका यूज़ करेंगे ना, मेरा ऐसा सजेशन है। बाकी अगर आप किसी पर्टिकुलर मेथड में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हो तो फिर आप उनका उसी मेथड का इस्तेमाल करें, बहुत बढ़िया है। आपकी चीज़ ढूंढने की आपको ज़्यादा कंफर्टेबल मेथड कौन सा लगता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि कई बार कोई सवाल को डेडिकेटेडली बनाए इस तरीके से जाता है कि वो एक पर्टिकुलर मेथड से ही सॉल्व होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं कोई ऐसा सवाल बना दूँ हाइपोथेटिकल, जिसमें ए प्लस बी गिव्स यू सी प्लस डी, ऐसा कुछ बना दूँ, और मैंने उसको इस तरीके से डिज़ाइन करा कि इसी इक्वेशन मेथड से सॉल्व हो, तो फिर मुझे जो है इसी से ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन मेरे पास होगा नहीं। अगर मैं ये वाले लगा के बैठूंगा मेथड तो मुझे ज़्यादा समय लग जाएगा और कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेना किस प्रकार से, और आप किस मेथड में ज़्यादा सुटेबल हो, है ना, आप उससे करना। मेरा सजेशन पूछोगे तो पहले आप इसको प्रायोरिटी देना, फिर इसको देना, फिर इसको देना, बाकी आप और देख लेना आप किस में सूटेबल हो, और फिर आप उस हिसाब से करना। और कोई प्रकार कोई लगता है और कुछ भी डाउट लगता है तो फिर पूछ लेना, बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखने जा रहे हैं जिसका नाम है कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और लिखो, है ना, अगर मुझे कोई भी हाइड्रोकार्बन है और मुझे अगर स्टेबिलिटी कंपेरिजन करना है, स्टेबिलिटी कंपेरिजन करना है ना, तो वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी उसके एंथैल्पी ऑफ कंबशन के मैग्नीट्यूड के, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट चीज़ देखने जा रहे हैं, वो है कैलोरीफिक वैल्यू, शॉर्ट में इसको सीवी बोला करेंगे, है ना। और कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है टोटल हीट रिलीज्ड, है ना, इन कंप्लीट कंबशन। बेटा सुन लिया करो, क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ी ज़्यादा पटांग है, तो अगर है ना दिक्कत आया समझने में तो फिर पूछ लिया करो या सुन लिया करो जो मैं बोल रहा हूँ ना। कंबशन ऑफ वन ग्राम ऑफ है ना फ्यूल, या कोई भी हाइड्रोकार्बन या फ्यूडम कह ले सकते हैं, ठीक है। क्या बोला अपन ने कि टोटल हीट रिलीज्ड है ना कब होगी, जब हम 1 ग्राम फ्यूल का या फूड का कंबशन करा देंगे, कंप्लीट कंबशन करा देंगे, ठीक है, समझ लो। तो उसको हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। अच्छा सुनना ध्यान से, जैसे अगर मान लो अपने क्या एग्जांपल के तौर पर CH4 हाइड्रोकार्बन लिया, इसका अपन ने जला डाला एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ में, बनेगा आपका CO2H2 ही बनेगा, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है, है ना। CO2 कितना बनेगा आपका, ढंग से लिख देता हूँ उसको, कितना बनेगा आपका CO2 बनेगा, और क्या बनेगा आपका H2O बनेगा। CO2 कितना बनेगा आपका, एक ही कितना बनेगा, खत्म कहा, ठीक है। इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी,
अगर मान लो उसको अपन ने 1 ग्राम लिया है ना, अगर 1 ग्राम लिया है ना, तो इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी है ना, वही कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ कम्बशन ऑफ CH4, और वही वैल्यू, वही चीज़ कहलाएगी आपकी कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, अच्छा अगर मान लो मैंने इसको 1 मोल ले लिया है, तो अगर मैंने 1 मोल ले लिया मतलब ये 16 ग्राम है ना, 16 ग्राम है ना, तो दिस इज वो फिर नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मैंने क्या करा, सपोज करो CH4 लिया है ना, और रिएक्शन करा डाली, हो गया सब हिसाब किताब, बन गया CO2 और दुनिया भर की तमाम H2 सब है ना। अगर मैंने 1 मोल ले लिया होता है ना, जैसे मुझे एंथैल्पी और कंबशन की बात करना है, तो मुझे 1 ही मोल लेना पड़ेगा। 1 मोल मतलब कितना हो जाएगा, 12 ग्राम, और ये कितना हो जाएगा आपका, 4 ग्राम, 12 और 4 कितना होता है, 16 ग्राम, यानी कितना हो जाएगा, 16 ग्राम। तो इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी वो बेशक कहलाएगी आपकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ है ना CH4। ठीक है, समझ रहे हो। और ये जो रिएक्शन थी ये मुझे नहीं लिखना चाहिए कायदे से कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4 होती है, क्योंकि यहाँ पर ये 1 ग्राम लिया हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं कैलोरीफिक वैल्यू बोल दूंगा, लेकिन मैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन नहीं कहूँगा ना। लेकिन अगर मान लो मैंने जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बोला यहाँ पर इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी है वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4 है, लेकिन अगर मुझे कैलोरीफिक वैल्यू निकालना है तो दिस इज डिफाइंड फॉर 12 ग्राम्स। ठीक है, 12 ग्राम्स, तो अगर मुझे 1 ग्राम के लिए निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इस एंथैल्पी ऑफ कंबशन को डिवाइड कर दूंगा किस चीज़ से, 12 से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, कैलोरीफिक वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब बेसिकली मुझे क्या करना पड़ा, या तो मैं इसका 1 ग्राम ले लूँ, या तो मैं 1 ग्राम ले लूँ और जला डालूँ, कंबशन करा दूँ है ना। जैसे यहाँ पे क्या 1 ग्राम ले लिया और जला डाला, इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी वही एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ वही आपकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाएगी। और दूसरा मैं क्या करूँ, या तो मैं इसका 1 मोल ले लूँ, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज डिफाइंड फॉर द 1 मोल है ना। CV कितनी हो जाएगी है ना, टोटल हीट रिलीज कितनी हो रही है वो है ना, टोटल हीट रिलीज कितनी हो रही है वो डिवाइडेड बाय में जो भी उसका मास लिया गया है। और अगर मैं 1 मोल ले लेता है ना, तो जो हीट रिलीज होती वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहलाती। और अगर मैं 1 मोल ले लेता तो ये हो जाता मोल इंटू में मॉलिकुलर वेट, मोल मास, मोल क्या होता है, मास अपॉन मॉलिकुलर वेट है ना। तो मास कितना हो जाएगा, मोल इंटू में मॉलिकुलर वेट, मोल कितना, 1 मोल है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ डिवाइडेड बाय में मॉलिकुलर वेट। और वो चीज़ अपन ने यहाँ से भी देखी है ना, कि हमें क्या करना है ना, जो भी एंथैल्पी ऑफ कंबशन है डिवाइड कर देंगे उसके मॉलिकुलर वेट के साथ। ये 12 क्या है यहाँ पर, मॉलिकुलर वेट ही तो है, ये 12 यहाँ पे क्या है, मॉलिकुलर वेट ही तो है ना। बात संपट पड़ी क्या, तो इसका मतलब अगर मुझे कैलोरीफिक वैल्यू निकालना है तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, जो भी एंथैल्पी है ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन है उसको डिवाइड कर देना है उसके मॉलिकुलर वेट के साथ में। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन तो नेगेटिव होती है, तो ये भी नेगेटिव आएगी इसका मतलब, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, मुझे इससे लेना देना नहीं है। नेगेटिव तो सिर्फ इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि हीट रिलीज हो रही है, तो मुझे इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड या मॉड वैल्यू इसका मुझे लेना है। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ये जो आपका CV वैल्यू है, कैलोरीफिक वैल्यू, वो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ द एंथैल्पी ऑफ कंबशन डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट। ठीक है, समझ गए, बात समझ में आई क्या। जैसे मान लो अपने 1 ग्राम सब्सटेंस लिया, अच्छा एक और चीज़ सुनना, जितना ज़्यादा जो है वो कैलोरीफिक वैल्यू होगा उतनी अच्छी क्वालिटी जो है फ्यूल की कहलाती है ना, क्वालिटी या एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल। जैसे आप पेट्रोल पंप में जाते होंगे तो वहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू आप देखते होंगे जो लिखी रहती है पेट्रोल पंप के में है ना, जो आपका वो पेट्रोल पंप होता है या जो भी मशीन होती है उसमें है ना। तो बेसिकली क्या होती है, क्वालिटी जो फ्यूल की है वो डिपेंड करेगी CV के ऊपर, या मुझे कायदे से कहना चाहिए है कि प्रोपोर्शनल होगी CV के ऊपर। जितना ज़्यादा CV होगा उतनी ज़्यादा क्वालिटी उस फ्यूल की कहलाने लगेगी। क्यों, जैसे मान लो 1 ग्राम है, एक्स का 1 ग्राम अपन सब्सटेंस उठा के लेके आ गए, और कोई वाई फ्यूल है अपने पास, ये फ्यूल अपन लिख रहे हैं यहाँ पे, फ्यूल या कोई भी हाइड्रोकार्बन है, और उनका CV वैल्यू अपन जो है वो है ना बताएंगे। अगर मैं इसका 1 ग्राम लेके आ जाता हूँ और इसका CV निकलता है, यानी कैलोरीफिक वैल्यू निकलता है, मान लो 10 किलो जूल निकलता है, या 10 जूल निकलता है, जो भी है 10 जूल, मान लो आप कुछ भी ले लो यूनिट, मैं तो समझाना चाह रहा हूँ बस, और यहाँ निकलता है मान लो 20 जूल। ठीक है, तो ये बताओ कि मैंने यहाँ पे भी 1 ग्राम लिया और यहाँ पे भी इसका जो है वो अपन ने है ना 1 ग्राम लिया, लेकिन यहाँ पर जो है एनर्जी जो निकलेगी वो डबल है ना। इसका मतलब अगर मैं इसका 1 ग्राम का कंबशन करूँगा तो मुझे 10 जूल निकलेगी, और अगर मैं इसे वाई ग्राम का करूँगा, वाई का 1 ग्राम का करूँगा तो मुझे 20 जूल मिल जाएगी। तो अगर मान लो मुझे कोई फ्यूल चाहिए, मान लो कोई है ना कोई इंस्ट्रूमेंट और मुझे कोई फ्यूल डालना है, कोई इंजीनियर फ्यूल इंजन और फ्यूल डालना है उसमें, तो मैं यही लूँगा यार, क्योंकि मैं 1 ग्राम को लेने पर 20 जूल बना लूँगा, और मुझे इसका 1 ग्राम लेना पड़ेगा और इसका 10 जूल बनाना पड़ेगा, कॉस्टिंग भी ज़्यादा आएगी, क्योंकि मुझे इसका अगर 20 जूल एनर्जी प्रोड्यूस करना हुई तो मुझे इसको दोगुना लेना पड़ेगा। तो एक तो है ना ट्रांसपोर्टेशन का भी टेंशन है कि भाई डबल है मास, ज़्यादा मास है, तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्टिंग भी जाएगी है ना, मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, कॉस्टिंग भी ज़्यादा आएगी क्योंकि फ्यूल ज़्यादा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि है ना, जितनी ज़्यादा क्वालिटी अच्छी होगी, एफिशिएंट फ्यूल होगा, उसकी CV की वैल्यू उतनी होगी। या फिर अगर मान लो उल्टा कह दो कि जिस फ्यूल की CV वैल्यू ज़्यादा है, जिस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, वो उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी, कम क्वांटिटी लेने पे अमाउंट हमें एनर्जी का ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई क्या, समझ रहे हो। अच्छा, दूसरी चीज़ सुनना ध्यान से आप,
है ना। दूसरी चीज़ जो ना, जहाँ से एक और क्वेश्चन मैंने आपको बोला, जैसे मैंने आपको बोला फ्यूल है ये, और फ्यूल की मैंने यहाँ पे सी वी वैल्यू दे रखी है ना। जैसे मान लो ए टाइप का फ्यूल है, बी है और सी है, और मैंने इनका आपको कैलोरीफिक वैल्यू दे रखा है 80, 60 और 120, समझ रहे हो। और मैंने बोला कि है ना क्वालिटी ऑफ फ्यूल बताओ, ये मैंने बोला सिलेक्ट द बेस्ट फ्यूल, सिलेक्ट द बेस्ट फ्यूल, सिलेक्ट द बेस्ट है ना फ्यूल, सबसे अच्छा कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे जिसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है 120। और फिर मैंने बोला सिलेक्ट द सबसे बेकार फ्यूल, तो आप बोलोगे बेटा ये बी वाला है ना। अच्छा मैंने बोला अगर आप क्वालिटी बताओ, क्वालिटी या एफिशिएंसी का ऑर्डर बताओ, अरे एक मिनट, एफिशिएंसी का ऑर्डर बताओ, तो आप क्या बोलेंगे सबसे बढ़िया तो आपका सी है, फिर उसके बाद आपका ए है, और फिर लास्ट में आपका जो है वो बी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अगर क्वेश्चन वेश्चन पूछता है तो आप बता सकते हो, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, है ना। अच्छा जैसे एग्जांपल के तौर पे एक और क्वेश्चन लिखो, जैसे मैंने बोला आपको ये फ्यूल आपको दे रखा है, और फ्यूल के लिए अपन यहाँ पर जो है वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो है वो दे रखा है ना। फ्यूल आपको दे रखा है पहला C2H6, और दूसरा आपको दे रखा है C2H4, और इसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन आपको दे रखा है 37.6 है ना, जो भी किलो जूल पर मोल वगैरह जो भी है, और इसका आपको दे रखा है 33.7 किलो जूल पर मोल, ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है ठीक है। मैंने बोला कि आप ये बताओ कि कैलोरीफिक वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, यानी बेटर फ्यूल इन दोनों में से कौन सा होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। अगर आप फर्स्ट वाली की बात करें और अगर आप इसमें कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो आप कितना कहेंगे इसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मैग्नीट्यूड दैट इज 37 पॉइंट, इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे फॉर्मूला करके, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ जो भी है हाइड्रोकार्बन डिवाइडेड बाय में उसका मॉलिकुलर वेट, और इसका मैग्नीट्यूड हमें लेना है, तो ये कितना हो जाएगा 37.6 डिवाइडेड बाय में इसका मॉलिकुलर वेट। मॉलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 12 बटा 24, और 24 प्लस 6 यानी कितना हो जाएगा कुल मिला के 30, यानी कितना हो जाएगा 30, ठीक है। और है ना जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप कितना आंसर आएगा, 1.25 आएगा, देख लेना एक्जैक्टली क्या आ रहा है ना। दूसरा अगर मैं बात करूँ दूसरे वाले की, तो कैलोरीफिक वैल्यू कैसे निकालेंगे, एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो कि का मैग्नीट्यूड जो कि 33.7 है ना, 33 पॉइंट जो है वो 7 है, डिवाइडेड बाय में कितना हो जाएगा इसका मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, दो हाइड्रोजन कम है मतलब मॉलिकुलर वेट 30 से कम 2 यानी 28 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर 1.2 है ना। ये बताओ ज़्यादा कौन सा है, 1.25 1.2, ऑफकोर्स दिस वन, इसका मतलब ज़्यादा सी वी है ना, जो हम ऐसा कह सकते हैं कि सी वी ऑफ है ना C2H6 इज ग्रेटर देन दी सी वी ऑफ है ना C2H4, इसका मतलब ये जो है क्वालिटी वाइज ज़्यादा अच्छा है, इसका मतलब ये जो है बेटर फ्यूल है कंपेरेटिवली, यानी अगर मैं पूछूँ क्वालिटी के बारे में या अगर मैं बात करूँ एफिशिएंसी के बारे में, तो ज़्यादा अच्छी किसकी होगी आपकी, C2H6 की है ना C2H4 के मुकाबले, ठीक है। बात समझ में आई क्या, एक चीज़ तो समझ में आ गई। दूसरी चीज़ ये बताओ, अगर मैं इसमें आपसे पूछूं, चलो यहाँ लिखते हैं इस चीज़ को, अगर आपके पास दो हाइड्रोकार्बन दिए हैं C2H6 और दूसरी तरफ को दिया है C2H4, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, 5% ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 ग्राम है और डिवाइडेड बाय में कुल मसाला इसका 30 ग्राम का है, इनटू में कर देंगे आप इस चीज़ को 100, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 6 5 30, और ये कितना आ जाएगा आपका 20, और अगर मुझे 100 मतलब 20% आ जाएगा, और अगर मैं इसमें करूँ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन तो कितना हो जाएगा 4/28 इंटू में कितना हो जाएगा आपका 100, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/7 यानी कितना हो जाएगा, देख लेना लगभग 14 के आसपास आएगा आपका। तो इसका मतलब ये बताओ कि जहाँ पर मास परसेंटेज हाइड्रोजन का ज़्यादा है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा है, ये तो अपने देखा कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इस चीज़ को ऐसे करके रिलेट कर सकता हूँ कि कहीं पर अगर मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है उसका कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन उल्टा करके कि कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगा उसके मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के ऊपर भी, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन अ गिवन फ्यूल और हाइड्रोकार्बन और एनी फूड, ठीक है। यानी अगर मान लो मैं पता करना चाहता हूँ कि बेटर फ्यूल कौन सा है या एफिशिएंसी या क्वालिटी ऑफ फ्यूल किसकी ज़्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीधे सिंपल उसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय में कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट, और जिसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी उतनी अच्छा जो है वो क्वालिटी वाइज फ्यूल कहलाएगा। अगर मान लो आपको अननोन फ्यूल दे दिया जिसका आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन नहीं पता है, या पता है आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पता है, सिर्फ परसेंटेज हाइड्रोजन पता है, या मान लो आपको सिर्फ एंथैल्पी ऑफ कंबशन नहीं मालूम सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है, तो आप बाय जस्ट सीइंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
आप बता सकते हैं कि बेटर फ्यूल कौन सा होगा बाय जस्ट कैलकुलेटिंग द मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ऑफ, है ना, जो भी उस सैंपल में प्रेजेंट होगा। ठीक है, समझ गए क्या? अच्छा एक क्वेश्चन और, जैसे मैंने बोला आपको, जैसे मैंने बोला फ्यूल है यहाँ पे आपका, और यहाँ पर मैंने बोला कि मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो है वो, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने बोला सी एच फोर और यहाँ पे दे दिया आपको सी टू एच सिक्स और यहाँ पे दे दिया आपको मैंने सी टू एच फोर। और अगर मैं मास परसेंटेज निकालूंगा हाइड्रोजन तो कितना आ जाएगा, 4/4, इसका कितना हो जाएगा 16, इंटू में कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6/30, इंटू में कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा आपका 4/4 में, कुल कितना 20, इंटू में कितना हो जाएगा 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 25%, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 14%, 20% ही तो अभी अपने करा ही वाले दो, तो लास्ट वाले दो अभी क्वेश्चन में देखें, ये करीब करीब कितना आ जाएगा, लगभग कितना आ जाएगा 14% के पास। तो ये बताओ ज़्यादा अच्छा बेटर फ्यूल कौन सा होगा, बेटर फ्यूल क्या होगा या क्वालिटी ऑफ फ्यूल का ऑर्डर क्या होगा? तो आप बोलेंगे सबसे बढ़िया जो है वो आपका सी एच फोर हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका सी टू एच सिक्स हो जाएगा, और फिर उसके बाद आपका सी टू एच फोर हो जाएगा, है ना। इसका सबसे ज़्यादा है 25% है, फिर इसका है, फिर इसका है, तो सबसे बढ़िया क्या हो जाएगा, ये वाला, फिर ये वाला, और फिर ये वाला। बात समझ में आई क्या? तो अपन को क्या करना है, बेसिकली सिर्फ इस बात पर ध्यान रखना है कि हमें चेक करना है अगर क्वालिटी ऑफ फ्यूल के बारे में, क्वालिटी ऑफ फ्यूल के बारे में, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसका सीवी निकालना पड़ेगा, और सीवी निकालने के लिए उसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन पता होना जरूरी है, और फिर मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे। जिसका सीवी ज़्यादा आएगा उसकी क्वालिटी फ्यूल की ज़्यादा होगी। अगर मान लो सीवी वैल्यू नहीं दे रखी है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन नहीं पता, जैसे इनके बारे में अपन को कोई भी एंथैल्पी ऑफ कंबशन नहीं मालूम है, तो अपन बस उसके परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन से, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अपन जो है पता कर सकते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी और कौन सा क्वालिटी जो है फ्यूल की ज़्यादा अच्छी कौन सी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर सवाल आते हैं तो आप देख लेना, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, है ना। या चलो ठीक है, मैंने बताई दिया है कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो है वो, है ना, ज़्यादा होना चाहिए पर ग्राम सीवी वैल्यू ज़्यादा होने के लिए, और या तो फिर परसेंटेज हाइड्रोजन ज़्यादा हो, इन दोनों से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सीवी की वैल्यू को हम कह सकते हैं सीवी तब ज़्यादा होगी जब आपका, है ना, एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो है उसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड मॉलिक्यूलर वेट का जो रेशियो है ये ज़्यादा हो, और या तो फिर, है ना, जो परसेंटेज मास परसेंटेज हाइड्रोजन का, है ना, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन जो भी है हाइड्रोकार्बन जो भी है ना, या फ्यूल या जो भी है, ठीक है, तो तब भी सीवी ज़्यादा होगा। तो आप देख लेना कौन सा कहाँ यूज़ करना है, तो इस तरीके से आप जो है वो पता कर सकते हैं क्वालिटी अच्छी होगी किस फ्यूल की। ठीक है, तो फिलहाल तौर पर अपने स्टूडियो पर इतनी रखते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कुछ प्रकार का डाउट आता तो कमेंट करके पूछ लेना। फिलहाल तौर पर स्टूडियो पर इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।